तो यार भाई लोग, यार किससे हो आप लोग? तो भाई लोग, अपना फाइनली K20 प्रो जो है ठीक हो के आ चुका है सर्विस सेंटर से। वो भाई यहाँ पे ब्रीक हो चुका था और भाई वो सही नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा यार उसको मतलब सर्विस सेंटर भी मेरे को भेजना पड़ा था, और अब जाके भाई ठीक हो के आ चुका है कल रात में वो। तो यहाँ पे सेटअप वगैरह कर लिया और अब जाके भाई मैं उसी से खेलूँगा। लेकिन यार यहाँ पे उस वाले मोबाइल में भी एक प्रॉब्लम आ रही है, जो कि भाई इस वाले में भी आ रही थी। मतलब एकदम से देखो, ये स्क्रीन फ्रीज हो जा रही है बार बार। पता नहीं यार गेम का क्या सीन चल रहा है। मतलब एक तो हैकर तो आ ही रहे हैं, ऊपर से यहाँ पे स्क्रीन भी फ्रीज हो जाती है बीच बीच में। और भाई आपके साथ भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में ज़रूर से बताना मुझे। तो यहाँ पे भाई एक बंदा था, और यहाँ पे भाई इस बंदे को देखो अपन मारेंगे। अब भाई यार इस वाले गेम प्ले में जो चिकन डिनर हुआ था बहुत ही लकी तरीके से हुआ था। मतलब यार तुम बोलोगे कि यार ये चिकन डिनर कैसे निकल गया, तो मेरे को भी यार यकीन नहीं हुआ वो कैसे निकला। लेकिन यार यहाँ पे लास्ट में तुम देखना। तो यहाँ पे भाई इस बंदे के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा नेट ट्राई करता हूँ यार, लेकिन बंदा यहाँ पे भाई पीछे की तरफ चला जाता है, तो मैं भी पीछे की तरफ चला जाता हूँ। मुझे लगा बंदा यहाँ पे नेट ट्राई करेगा, लेकिन बंदा यहाँ पे नेट ट्राई नहीं करता। तो मैंने सोचा यार मैं खुद एक और नेट इसके ऊपर ट्राई करता हूँ, लेकिन यार ये वाला नेट हाथ में चिपक जाता है, यहीं पर गिर जाता है। अब भाई बंदा यहाँ पे अंदर की तरफ आता है, तो मेरे को यहाँ पे उसकी फुटस्टेप आती है, और यहाँ पे एक और लास्ट नेड में ट्राई करता हूँ, और ये वाला नेड भाई इसके ऊपर जाके फटता है। तो यहाँ पे भाई इसका काम तमाम हो जाता है, और इसकी डब्बे को अपन लूट लेते जाके। तो यहाँ से भाई जो लूट वगैरह तो मेरे को इतनी खास नहीं मिलती, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लूट थी यहाँ पे। अब भाई यहाँ पे पीछे की तरफ से मुझे फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, तो मैं पीछे की तरफ जाके देखता हूँ, और यहाँ पे मुझे एक बंदा स्पॉट हो जाता है। और अब देखो इस बंदे को कैसे पेलते हैं। तो भाई इस बंदे को तो ईजी अपन ने यहाँ पे पेल दिया। अब भाई यहाँ पे मेरे को जोन में भी निकलना था, तो मैं अपनी बगी पे एक स्मोक कर देता हूँ। तो यार एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी अगर तुम ऐसे जोन में से निकलो, तो हमेशा अपनी बगी वगैरह पे एक स्मोक करके निकलो, क्योंकि यार बंदे कहीं पर भी कैम कर सकते और कहीं पर भी तुम्हें पेल सकते, तो एक स्मोक बिगाड़ने में कुछ नहीं जाता। अब भाई यार मेरे को यहाँ पे दूसरी बगी उठानी थी, क्योंकि यार ये थोड़ी सी डैमेज थी, तो मैं दूसरी बगी यहाँ से उठा लेता हूँ। अब भाई यार यहाँ पे मतलब जोन अभी जो था उसको नेक्स्ट जोन आने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा यार तब तक मैं बगी को ऐसे ही घुमा लेता हूँ। और भाई मैं जोन में इधर उधर बस बगी घुमाते रहता हूँ। अब भाई यहाँ पे घुमाते घुमाते जैसे ही नेक्स्ट जोन बनता है, मैं नेक्स्ट जोन में चला जाता हूँ। और यहाँ पे भाई मैं घुमा रहा था, तो यहाँ पे काफ़ी क्रेट पड़ी हुई थी, तो यार यहाँ पे बंदे सांप बने हुए थे, तो मैं यहाँ पे आसपास देख लेता हूँ। इस जगह पे यार कोई भी बंदा मुझे नहीं दिख रहा था, तो मैंने सोचा यहीं पर थोड़ी देर और वेट करता हूँ नेक्स्ट जोन बनने का। और जैसे ही मैं यहाँ पे भाई मतलब अपनी बगी रोकता हूँ, और यहाँ पे देखो साइड में मतलब एक बंदा यहाँ पे लेटा हुआ था शील्ड लगा के, तो यहाँ पे यार मेरे को थोड़ा शक होता है कि बंदा यहीं पर कहीं पर है। और तभी यहाँ पे उसका नेट फटता है मेरे मुंह के सामने। अब भाई यार इस नेट के बाद तो मेरे को डर लग रहा था कि बंदा यहाँ पे अपने को नेट से मार देगा, और अपने पास स्मोक वगैरह कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा यार यहाँ पे एक शील्ड लगाते हैं और बगी लेके यहाँ से निकल जाते हैं। तो मैं वापस से बगी लेके यहाँ पे घुमाने लग जाता हूँ। और अब यहाँ पे भाई बंदों की लोकेशन मुझे पता करनी थी, तो यार एक बंदा देखो सामने की तरफ शेक में था। तो भाई यहाँ पे बस मैं बगी घुमा रहा था, और मैंने सोचा यार सामने वाले की लोकेशन अपने को अगर यहाँ पे दिख जाती है, तो यार उतर को यहाँ पे इसको मार दूंगा। लेकिन यार ये वाला बंदा भी मुझे यहाँ पे स्पॉट तो नहीं होता है। अब भाई यार यहाँ पे मैं घुमा ही रहा था कि तभी भाई जो शेक वाला बंदा रहता है यहाँ पे एक बंदे को मार देता है, और उसी के बाद मैंने सोचा यार मैं पीछे वाले बंदे को यहाँ पे मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन वो वाला जो बंदा रहता है यहाँ पे एकदम से मेरे को डैमेज दे देता है, और मैं अपनी बगी यहाँ से भगा लेता हूँ। अब भाई यार मैं बगी तो यहाँ पे रोक नहीं सकता था, क्योंकि यार अगर मैं यहाँ पे रोकता तो पीछे से जोन भी आ रहा था, तो मैंने सोचा यार अपन बस बगी घुमाते रहते हैं, और ये बंदा जैसे ही भाई जोन में जाएगा और उस बंदे से फाइट लेगा, अपन इसका थर्ड पार्टी यहाँ पे करेंगे। तो यही मैंने सोच रखा था, और तभी देखो यहाँ पे क्या सीन होता है।
तो भाई यहाँ पे इन दोनों की फाइट हो गई थी स्टार्ट, तो मैंने सोचा इनका मैं थर्ड पार्टी करता हूँ। तभी देखो यहाँ पे मेरे को एकदम से चिकन डिनर मिल जाता है, और यार मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि भाई ये चिकन डिनर कैसे मिला। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ होगा कि जैसे उस बंदे ने यहाँ पे इस बंदे को मारा, वो बंदा भी यहाँ पे उसके नेट से फट गया होगा और यहाँ पे मेरे को चिकन मिल गया। तो यार यहाँ पे एक इजी चिकन डिनर मिला, और देखो यार यहाँ पे मेरे को काफ़ी अच्छा प्लस भी मिल जाता है। अब इसके बाद यार नेक्स्ट गेम प्ले पे चलते हैं। तो यार यहाँ पे मिशन इग्निशन मोड जो है भाई, यार इसी में तुम खेला करो, क्योंकि यार इसमें काफ़ी कम बंदे बचते हैं और लेग भी काफ़ी कम होता है, और उसके बाद यहाँ पे इसमें हैकर भी थोड़े से बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। क्योंकि मेन वाले मोड का तो ये सीन है कि यार उसमें इतना हैकर मिलता है कि भाई बोल मतलब क्या ही बोलें। तो यार यहाँ पे मैं गाड़ी घुमा रहा था, और यहाँ पे भाई मतलब आसपास बंदे तो थे ही सही, तो मेरे को यार सामने की तरफ शेक में कोई भी बंदा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा यार वहीं पे गाड़ी रोकते हैं, अगर कोई बंदा होगा तो यहाँ पे अपन फाइट भी ले लेंगे। तो यहाँ पे तो यार कोई बंदा लकीली नहीं होता, और यहाँ पर जाके भाई मैं शेक में मतलब बैठ जाता हूँ, और जैसे ही यहाँ पर मैं बैठता हूँ मेरे को सामने की तरफ एक बंदा स्पॉट हो जाता है फाइट लेते हुए। अब भाई यार ये बंदा किसी और बंदे से यहाँ पे फाइट ले रहा था, और इसका मैं थर्ड पार्टी कर देता हूँ। और जो दूसरा बंदा था यार वो यहाँ पे से निकलता ही नहीं है वो, तो भाई मैंने सोचा यार यहाँ पे इसको देखते रहते, और साइड में भी यार बगी पड़ी हुई थी मतलब इधर पचिंग की तरफ, तो वहाँ पे भी मैं थोड़ा सा ध्यान दे रहा था, क्योंकि यार वहाँ पे भी बंदा हो सकता है, क्योंकि यार वहाँ पे बगी थी तो कोई ना कोई बंदा तो ज़रूर होगा। तो यहाँ पे तो यार बंदा मैं स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन यार यहाँ पे तो कोई भी मुझे नहीं दिखता। उसके बाद यार यहाँ पे मैं वेट करता हूँ जोन बनने का, और देखो अब यहाँ पे क्या सीन होता है। तो यहाँ पे भाई स्नाइपर टावर वाला बंदा किसी के ऊपर फायर ले रहा था, तो यहाँ पे मैं सामने की तरफ देखता हूँ, तभी मुझे यहाँ पे एक बंदा स्पॉट हो जाता है ओपन से आते हुए। अब यार इस वाले बंदे को मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया था, लेकिन स्नाइपर टावर वाले बंदे ने इसको यहाँ पे मार दिया, और तभी मेरे को यार साइड में जो पोचिंग की तरफ से आता हुआ बंदा भी स्पॉट हो जाता है। तो यार इस वाले बंदे को तो इजी मैं यहाँ पे मार देता हूँ। अब यार यहाँ पे लास्ट वाला बंदा जो था वो स्नाइपर टावर में था, तो मैंने सोचा यार मैं थोड़ा सा जोन में आगे की तरफ चला जाता हूँ, क्योंकि अगर ये बंदा यहाँ पे भाई क्लोज में आ गया तो मेरे लिए यहाँ पे प्रॉब्लम दे सकता है। तो मैं भाई डायरेक्ट सीधे सीधे चला जाता हूँ सामने की तरफ। तो भाई यहाँ पे आकर मैं टीपी पे लेके ट्राई करता हूँ इसको देखने का, और तभी भाई ये बंदा जो क्या करता है नीचे कूद जाता है। अब यार ये बंदा क्या कर रहा था कि यहाँ पे से ओपन से आके मेरे को मारने का ट्राई कर रहा था। तो देखो यार ये सोच रहा था कि भाई कुछ एंगल वगैरह बन जाए, लेकिन फिर इस बंदे ने सोचा कि यार ओपन से जाने से अच्छा तो मैं व्हीकल से जाऊँगा। तो ये बंदा वापस से यहाँ पर आता है और व्हीकल लेके अब देखो मेरे ऊपर ये पुश करता है। तो यहाँ पर इसका क्या सीन करते हैं अपन। तो यार यहाँ पे लास्ट टाइम पे इस बंदे की व्हीकल को फोड़ के मैं यहाँ पे चिकन डिनर निकाल लेता हूँ। अगर यार यहाँ पे थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो ये बंदा मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा देता, लेकिन यार यहाँ पे अपना चिकन डिनर इजी हो जाता है। और देखो यार यहाँ पे मेरे को 27 का प्लस मिल जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।